झारखंड में पारा शिक्षकों के लिए ईएफ बीमा कल्याण कोष का फैसला 10 अगस्त को होने वाला है। जी आपने सही सुना, जो ईएफ बीमा कल्याण कोष का जो फैसला है कल सुनाने वाला है 10 अगस्त को। पारा टीचर लिए हैं और जिन पारा टीचर नहीं लिया अगर लेना चाह रहे हैं इसका क्या नियम है, क्या कंडीशन है, अगर आप इस वीडियो के नियम को जानना चाहते हैं, अगर आप भी ईएफ बीमा कल्याण लिए हुए हैं तो इसका फैसला 10 अगस्त को होने वाला है, तो आप इस वीडियो को जितना से जितना पारा टीचर के साथ वीडियो को शेयर करिए ताकि ये बीमा कल्याण कोष जो भी लिए हैं, जो भी लेने वाले हैं, उनको सबके पास ये खबर जल्द से जल्द पहुंच जाए। क्योंकि आप भी एक झारखंड का पारा टीचर हैं तो पूरी झारखंड के जिले के सभी पारा टीचर को सपोर्ट करिए, क्योंकि ये खबर सभी पारा टीचर के पास पहुंचना चाहिए, जितना से जितना हो हर जिले के सभी पारा टीचर पास ये खबर पहुँचना चाहिए। ये बीमा कल्याण कोष का जो फैसला सुनाने वाला कल सुनाने वाला है, तो आप सभी पारा टीचर से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ जितना से जितना वीडियो को शेयर करिए और इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि सरकार ने यह बीमा कल्याण कोष का जो फैसला सुनाने वाला है, फैसले में क्या सुनाने वाला है, क्या बताने वाला है, आपको इस वीडियो के अंदर पूरी डिटेल में हम बात करेंगे। उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जितना से जितना पारा टीचर के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन सभी पारा टीचर को जल्द से जल्द ये खबर मिल सके। कोई पारा टीचर मिस नहीं होना चाहिए कि हर जिले के हर झारखंड स्टेट सभी पारा टीचर को ये खबर जितना से जितना खबर पहुंचा दीजिए। आप सभी पारा टीचर हाथ जोड़ के विनती करता हूं शेयर करना बिल्कुल न भूले, क्योंकि सभी पारा टीचर को सपोर्ट करिए। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करिए और इस वीडियो को अपने सभी पारा टीचर के साथ वीडियो को शेयर करिए ताकि उन सभी के पारा टीचर को जल्द से जल्द खबर मिल सके। क्योंकि आप भी एक झारखंड के पारा टीचर है तो आपका हक बनता है सभी पारा टीचर का सपोर्ट करिए। अगर आप किसी का सपोर्ट करते हो तो आपको भी सपोर्ट जरूर से जरूर मिलेगा झारखंड के हर जिले के सपारा टीचर से। तो हाँ जो विनती जितना जितना सपोर्ट करिए। तो चलिए फ्रेंड्स ज्यादा समय तो वीडियो को शुरू करते हैं। झारखंड में पारा शिक्षकों के लिए यह बीमा कल्याण कोष का फैसला 10 अगस्त को होगा। झारखंड पारा शिक्षक सहायक अध्यापक कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के कर्मी और बीआरएपी सीआरएपी पीएफई बीमा कल्याण कोष का लाभ मिल सकेगा। सभी पारा टीचर को जो भी लाभ है सभी पारा टीचर को मिलने वाला है 10 अगस्त को। इसका जो बैठक है बुलाया गया है सभी पारा टीचरों को, जिले के हर जिले से पारा टीचर को बुलाया गया है। अगर आप नहीं आ सकते तो इस वीडियो को जितना से जितना पारा टीचर के साथ शेयर करिए ताकि उनके पास ये खबर या सूचना जरूर से जरूर मिल सके। तो सभी पारा टीचर को ये लाभ मिलने वाला है, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए, आप सभी पारा टीचर को सपोर्ट करिए। झारखंड के पारा शिक्षक सहायक अध्यापक कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के कर्मी बीआरएफ सीआरएपी को ईआईएफएफ बीमा कल्याण कोष का लाभ मिल सकेगा। इसे निर्धारित करने के लिए झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने इसके संघ के साथ 10 अगस्त को बैठक बुलाई है। जेएफई राज के परियोजना निदेशक किरण कुमारी पासी ने संबंधित संघों को बैठक में शामिल होने के लिए एक पत्र लिखा है। बैठक में शामिल हुए कई धके बैठक में एकीकृत सहायक अध्यापक संघ मोर्चा झारखंड राज्य प्रचलित सहायक अध्यापक संघ टेस्ट सफल सहायक अध्यापक संघ कस्तूरबा गांधी बालिका मध्य विद्यालय कर्मी संघ बीआरएपी सीआरपी महासंघ के दो दो सदस्य की बैठक शामिल होने का लिए कहा गया है। यानी सभी जो कॉलेज के हैं वो सभी टीचर को बुलाया गया है। और डीएसपी किरण कुमारी पासी ने कहा है कि विपक्षी कर्मी संघ द्वारा बार बार कल्याण कोष को लागू करने की मांग की जा रही है। राज्य के परियोजना कार्यालय लगातार कर्मी के बेहतर कल्याण कोष स्थापना को बेहतर विकल्प के लिए है। दोस्तों ये खबर आज का न्यूज है, मैं आपको बता दे रहा हूँ 9 अगस्त का ये आप देख ले, बुधवार 9 अगस्त 2023 को ये खबर निकल गया। तो आप इस वीडियो को फेक नहीं बोल सकते, ये रियल न्यूज है, सब का न्यूज है, आप जाके चेकआउट भी कर सकते हैं, हिंदुस्तान पेपर में ये दिया गया है। बैठक में सीआईपी की सुविधा की प्रधान कल्याण कोष के अन्य प्रधान संसद के बीमा संबंधी विक्ष के बैठक के प्रभाव के अनुसार लाभ पर चर्चा की गई है। जनवरी में होने वाला था आलमनाथ की पूर्व शिक्षा जगन्नाथ महतो का कार्यालय में ही राज्य के पारा शिक्षकों बीआईएफपी बीमा कल्याण कोष के लाभ देने का योजना की समिति बनाई थी। जनवरी माह के समिति में अमल शुरू हो जाना चाहिए था लेकिन धरातल पर नहीं उतारा। बीते कुछ महीनों में पारा शिक्षकों में विरोध भी दर्ज कराया गया, आंदोलन चेतावनी भी दी गई थी।
सभी पारा टीचरों को ये कहा गया है कि जो भी पारा टीचर धरना आंदोलन किया गया तो उसे चेतावनी भी दी गई थी पर उनसे कोई लाभ नहीं मिला। तो झारखंड के स्टेट के सभी पारा टीचर को बुलाया गया है, वहाँ पर सभी बैठक किया गया है। बीमा का कल्याण कोष का जो लाभ मिलने वाला है झारखंड के स्टेट के सभी पारा टीचर को मिलने वाला है। तो आप इस वीडियो को जितना से जितना पारा टीचर के साथ शेयर करिए, जिले के हर सभी पारा टीचर के साथ वीडियो को शेयर करिए ताकि उन सभी पारा टीचर को जल्द से जल्द खबर मिल सके। वीडियो को मिस मत करिएगा, वीडियो को जितना से जितना एंड तक देख लीजिएगा। आपकी सुविधा के लिए मैं बता रहा हूँ, आप जितना से जितना वीडियो को एंड तक देखिए, वीडियो को बिना स्किप किए। आप वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए क्योंकि ये चैनल सिर्फ पारा टीचर के बनाया गया है। तो आप चैनल को सपोर्ट करिए हमारे चैनल को क्योंकि ये चैनल सिर्फ पारा टीचर के लिए बनाया गया है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो आपको बहुत ही पसंद है, आप सभी पारा टीचर के लाभदायक वीडियो के लिए लाया हूँ, बहुत ही मस्त खबर है। तो आप जितना जितना हमारे चैनल को सपोर्ट से सपोर्ट करें। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।